अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाजियाज लाइव। तो जी मेरा जो ये व्लॉग है ना, ये जो अब इसके बाद आपको क्लिप्स में दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मज़ेदार व्लॉग है। फैसलाबाद का व्लॉग है जो मेरा पेंडिंग था बहुत अरसे से कि मैं कभी करूँगी डालूँगी, क्योंकि हम फैसलाबाद में तो ये हालत थी कि दिन में तीन तीन चार चार व्लॉग्स भी बन रहे हैं। और अभी मापी का आज दोपहर को फ़ोन आया कि नाजिया तुम यहाँ आ जाओ, और जो है यहाँ आ जाओ, इतने दिन से तुम आ नहीं रही हो, ये वो। तो मैंने कहा मापी मैं आऊँगी तो आपको पता है फिर व्लॉग ही व्लॉग होंगे, व्लॉग ही व्लॉग होंगे फैसलाबाद के। तो फिलहाल फैसलाबाद तो नहीं जा रहे, एकदम फैसलाबाद याद आ गया मुझे, तो मैंने कहा आप लोगों को भी व्लॉग्स दिखाती हूँ, पिछले पेंडिंग व्लॉग्स। भाई काशिप भाई ने बिरयानी बनाई थी वो नहीं दिखाई मैंने आप लोगों को, मैंने क्या क्या बनाया वो नहीं दिखाया, इतना टैलेंट भरा पड़ा है इस व्लॉग में, यानी हम लोग खानदानी टैलेंटेड हैं भाई। तो इतना कुछ है माशाल्लाह। सब सिब्रा भी यहाँ पाकिस्तान में थी और सिब्रा भी नज़र आएगी, सिब्रा थोड़ा सा चुन्ना से सब नज़र आएंगे। तो बाकी व्लॉग इतना मज़ेदार क्रिस्पी वाला मज़ेदार व्लॉग है, पूरा देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कर दो यार। मोनेटाइज्ड होने वाला है मेरा इंशाल्लाह ताला, करवा दें आप लोग ज़रा मोनेटाइज्ड मेरा यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ ज़रूर साथ दें, बहुत ज़रूरी है मुझे, बहुत 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 अच्छा ज़रूरी है कि मैं जो हूँ मेरा चैनल जो है वो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे आगे से आगे बढ़ाएं। आप लोगों की वजह से ही है ये सब कुछ, और आप लोग ही हैं सारे सब्सक्राइबर जितने भी हैं जो मुझे पसंद करते हैं, उन सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत लंबी स्पीच तो मैं इतनी, आप 6 घंटा भी कहेंगे ना, मैं 6 घंटा लगातार बोलूँगी। तो बस यही है कि मेरा साथ देना है, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखना है, व्लॉग देखें बड़े मज़ेदार का। काशिप भाई की बिरयानी उफ, लेडीज भी क्या बनाएंगी, काशिप भाई की कढ़ाई ये देखा, काशिप भाई खुद हैरान हो रहे थे कि ये इतनी औरतें जा कर रही। गाड़ी की वीडियो में बना नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी आवाम माशाल्लाह बैठी हुई है, और आगे भी दिखाती हूँ क्या। तो ये है जी सिब्रा शहजादी जो ड्राइविंग करके हमें लेके जा रही थी, हमने मॉल जाना था, इन्होंने अपनी कटिंग करवानी थी बालों की, और मैंने मापी ने और खाला ने हम लोग मॉल चले गए थे, सब इंजॉयमेंट कर रहे थे पूरी गाड़ी में, लोडेड गाड़ी में हम लोग, बहुत मज़ेदार व्लॉग है ये। और बाकी हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आ गए थे, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की मैंने जो है अपनी बास्केट भर ली है, जा रही हूँ। स्टाइलों पे आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इनकी ब्रांच जो है ना स्टाइलों वाली बिल्कुल कराची वाली ब्रांच की स्टाइल में है, शूज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। पैसे मिला के ना ये करते हैं, ये मुझे बिल्कुल कराची की ब्रांच लग रही है, जो तारिक रोड की होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली ब्रांच है। लोग यकीन नहीं करेंगे, लाल मिर्च डालिए, किसी को डालो तो मजा आता है। ये तो बेस्ट किया आपने, बेस्ट काम किया, बेस्ट दी बेस्ट। हमने तो सोचा था पूरा बता ही देते, जब से इतने लोग बिरयानी को तैयार करते हैं, तीन लोगों के हाथ लगे हैं बिरयानी को, इसमें थोड़ा सा राइस डालना, मैं चुप हूँ। पहला ना भी खोलो खोलो देख, खोलो 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 गई देख, अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है रात को, शाम को 7 बजे, और काशिप भाई जो स्पेशलिस्ट हैं, कढ़ाई स्पेशलिस्ट, वो बना रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि सलीम को कैसे कटिंग होगी, ठीक है। और ये जो है जी बन रही है कढ़ाई, ओए 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 सरसों के तेल में बन रही है, काशिप मजेदार होगी सरसों के तेल वाली। इसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये देखें ये हमारा
जो है इनका हेल्पर, ठीक है। और क्या क्या डालेंगे कढ़ाई में, टमाटर डालेंगे और ये प्याज ऐसे धोई है भाई, वॉश हुई है, ये आगे चिकन और ये रहा लहसुन अदरक भाई, कुछ ना कुछ तो बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इन्होंने कहा हम मुझे पालक, इनको पालक आलू खाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने जल्दी से कढ़ाई बना रही है। कढ़ाई स्पेशलिस्ट ये है जी, सेकंड स्टेप प्याज के बाद आ गई क्या ये टमाटर, सारे मसाले। सेकंड स्टेप जो है वो हो रहा है कंप्लीट, जब थर्ड होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई बहुत मजे की बनने वाली है, हिट है हिट है। मिर्चे हरा धनिया तैयार है, दही भी साथ, दही भी बड़ी है, देखा सलीम को भी पता है। दिखाते हैं जी फाइनल लुक, वाह झटपट तैयार। अभी इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी अभी चिकन भुनी है, भून के डाली है, फाइनल लुक होगा तो फिर वो भी दिखाएंगे। लग तो बहुत जबरदस्त रही है, यम्मी लग रही है, यम्मी। ये अच्छा है, खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ वाली कहानी है, खुद ही ने कढ़ाई बनाई है और खुद ही खा रहे हैं, लग तो अच्छी रही है। खाने के बाद बताएंगे इसकी क्या कंडीशन है, सही है। ये मापी का जो ये पेनेट्री है, अजूबिया ने चमका दिया, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब लग रहा है ना सोमू नजर आ रही है। और मैं बना रही हूँ तहारी, मटर भी डाल के सिबरा की फरमाइश पे बन रही है तहारी, एंजॉय करें। ये रहा तहारी, कोई लोग तहारी बोलते हैं, कोई लोग तहारी बोलते हैं, हम तहारी बोलते हैं। मुझे हल्की हल्की शक्ल वाली तहारी पसंद है, डार्क कलर की नहीं पसंद, तो उसमें थोड़े से मैंने मटर भी डाला। और घर का जो पुदीना होता है ना, ये जो है ना, ये घर का पुदीना डाला है मैंने, ये मापी के घर में लगा हुआ है, फ्रेश फ्रेश वो डाला है। जब फाइनल हो जाएगी तो मैं भूल ही जाती हूँ, खाने वाने में लग जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, खा के बैठ जाते हैं, इसलिए है। रात को बारबेक्यू इंशाल्लाह दिखाएंगे, तो आप लोगों ने करना है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू। कैसी हो खाला की, आज मैंने कर दी है दावत, आज आपकी दावत है, मेरी दावत तरफ से और रात की जो है मापी की तरफ से दावत है बारबेक्यू की, जिसका जितना बजट है उसकी उतनी दावत है। मेरी ये वाला बजट था, तो जरा बाउल वॉल को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही है प्लस मैंने आज इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक की जगह शरबत दिया है, और कौन सा वाला, लेमन वाला।